हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ आरपीएससी आरएएस के बारे में, किसके प्रोसेस कैसे और किस तरह से होते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आईएएस पेपर एक एक्सक्लूसिव और ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ पर आपको इससे रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन, अपडेट्स, नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगी। तो फिर पहले मैं यहाँ पर सर्च करूँगी। सर्च करते हैं, मैं यहाँ पे न्यू टैब में ओपन हो गई हूँ, जहाँ पर लिखा है आरपीएससी आरएएस रिक्रूटमेंट 2022 नोटिफिकेशन एप्लीकेशन एडमिट कार्ड एग्जाम पैटर्न एंड सैलरी। आज मैं आपको इस वीडियो में सबके बारे में बताऊँगी। सो यहाँ पे इसका कुछ इंट्रोडक्शन दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर आते हैं टेबल ऑफ कंटेंट में। जैसे कि अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में जानना हो, जैसे कि हाईलाइट्स, एग्जाम डेट्स, नोटिफिकेशन, एलिजिबिलिटी, एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फीस, पैटर्न, सिलेबस, एडमिट कार्ड, प्रिपरेशन टिप्स, कट ऑफ आंसर की, रिजल्ट, सैलरी ब्रेक्स एंड अलाउंस, इन सब में से अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में जानना हो तो फिर आप उस टॉपिक पे क्लिक कीजिएगा, अपने पेज में ओपन हो जाएंगे और आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे हाईलाइट्स दिया गया, जैसे कि आरएएस का फुल फॉर्म है राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, फ्रीक्वेंसी ऑफ एग्ज़ाम जो एनुअल, मतलब साल में सिर्फ एक बार इसका एग्ज़ाम होता है, ऑफलाइन मोड से होता है और आपको 3 आवर्स मिलता है एग्ज़ाम कम्प्लीट करने के लिए। इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज आपको एग्ज़ाम होता है, अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग फीस होती हैं, प्राइमरी मेन एंड इंटरव्यू 3 स्टेजेस होते हैं। फिर आते एग्ज़ाम डेट्स पे, जैसे कि अगर किसी भी चीज़ का डेट आता है, जैसे कि नोटिफिकेशन का या फिर एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट डेट, एप्लीकेशन फॉर्म लास्ट डेट, एडमिट कार्ड एग्ज़ाम डेट या फिर रिजल्ट, इन समय से किसी भी चीज़ का डेट आएगा तो फिर आपको इस वेबसाइट के थ्रू सबसे पहले पता चल जाएगा। सो अभी तो किसी भी चीज़ का डेट नहीं आया है। फिर आते हैं नोटिफिकेशन में। नोटिफिकेशन आपको ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू चेक करना रहता है। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आते आपको लेटेस्ट अपडेट पे क्लिक करना रहेगा। क्लिक करते आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे, जहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म से नोटिफिकेशन से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर दी रहेगी। जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म का स्टार्टिंग डेट रहेगा, एडमिट कार्ड का डेट रहेगा, फिर एग्ज़ाम डेट्स रहेगा, मतलब हर एक चीज़ का डेट दिया रहता है और एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से फिल करना रहेगा, सिलेबस में क्या क्या आएगा और कितने पोस्ट होते हैं, उन सब के बारे में नोटिफिकेशन में दिया रहता है। फिर आते हैं एलिजिबिलिटी पे। एलिजिबिलिटी होता है कि आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। एलिजिबिलिटी 3 टाइप्स के होते हैं, नेशनलिटी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एज लिमिट। नेशनलिटी होता है अगर आप इंडिया के हैं या फिर आप 1962 से पहले किसी और कंट्री में रहते थे और अब आप परमानेंटली इंडिया में शिफ्ट हो गए तो भी आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। और आपकी जो एज है वो 21 ईयर्स टू 40 ईयर्स के अंदर ही होनी चाहिए। अगर आप 21 से कम है या फिर 40 से ज़्यादा तो भी आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। फिर आता है एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपको ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू फिल करना रहता है। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आते ही आपको लेटेस्ट अपडेट पे क्लिक करना रहेगा। क्लिक करते आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे, जहाँ पे आपको अपना नेम, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको देनी रहती है। उसके बाद वहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स का भी ऑप्शन दिया रहता है, जैसे कि डिग्री का सर्टिफिकेट, मार्कशीट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, गवर्नमेंट इशूड आइडेंटिटी कार्ड्स, रिसेंट फोटो, सिग्नेचर, कम्युनिटी सर्टिफिकेट, सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए रहता है। उसके बाद वहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस का भी ऑप्शन दिया रहता है। एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो किसी अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग फ़ीस होती है, जैसे कि जनरल के लिए 350 रहेगा, ओबीसी के लिए 250 एंड एससी एंड एसटी के लिए 50 रुपीज़ रहेगा। और ये जो आपका एप्लीकेशन फ़ीस है वो आप किसी भी तरह दे सकते हैं, जैसे कि नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, वॉलेट, UPI। और अगर आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लिए, सारे डॉक्यूमेंट्स पे आपने दे दिए हैं, तो फिर आप एक बार अपना एप्लीकेशन फॉर्म भी चेक कीजिएगा कि आपने सभी इन्फॉर्मेशन उसमें सही फिल किया है या नहीं। अगर आपने सारा इन्फॉर्मेशन उसमें सही फिल किया है तो फिर आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सबमिट कर सकते हैं। फिर आते एग्ज़ाम डेट्स पे। जैसे कि अगर किसी एग्ज़ाम पैटर्न में यहाँ पर अलग अलग पोस्ट अलग अलग सिलेबस दिया गया, जैसे कि जनरल स्टडीज के लिए यहाँ पे 200 मार्क्स का पेपर रहता है, आपको टाइम मिलता है 3 आवर्स का। जनरल स्टडीज सेकंड का यहाँ पे 200 मार्क्स एंड 3 आवर्स मिलेगा। हर एक पेपर के लिए यहाँ पे दिया गया 200 मार्क्स एंड 3 आवर्स आपको मिलता है। फिर आते हैं सिलेबस पे। सिलेबस आपको जाके स्टडी करनी रहती है, जैसे कि यहाँ पे हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड सोशोलॉजी, अकाउंटिंग, मैनेजमेंट एंड ऑडिटिंग है। फिर यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव इथिक्स है, फिर जनरल स्टडीज एंड टेक्नोलॉजी, अर्थ साइंस, बहुत सारे यहाँ पे सिलेबस दिया गया है। फिर आते हैं हम लोग यहाँ पे एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड एग्ज़ाम के 10-15 डेज पहले आते हैं, आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आते ही आपको लेटेस्ट अपडेट पे क्लिक करना रहेगा। क्लिक करते हैं आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे, जहाँ पे आपको अपना
रजिस्ट्रेशन नंबर एंड आपको अपना पासवर्ड फिल करना रहता है। अगर आपको दोनों इन्फॉर्मेशन सही रहेगा तो फिर आप अपना एडमिट कार्ड देख सकेंगे, और अगर आपने अपना एडमिट कार्ड देख लिया तो फिर आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप PDF भी बना सकते हैं। फिर आते हैं कट ऑफ मार्क्स पे। कट ऑफ मार्क्स यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग कट ऑफ मार्क्स होती हैं। जैसे कि जनरल के लिए यहाँ पे 70 to 75 के अंडर ही मैनेज है। अगर आपका 70 मार्क्स से कम आएगा तो फिर आपका इसमें सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ऐसे यहाँ पे और अलग अलग कैटेगरी के लिए दिया गया है, और ये जो कट ऑफ मार्क्स है वो एवरी ईयर चेंज होते रहते हैं। फिर आता है आंसर की एग्ज़ाम के बाद और रिजल्ट के पहले आता है। आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आते ही आपको लेटेस्ट अपडेट पे क्लिक करना रहेगा। क्लिक करते ही आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे, जहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंड आपको अपना पासवर्ड फिल करना रहता है। अगर आपको दोनों इन्फॉर्मेशन सही रहा तो फिर आप अपना आंसर की आप देख सकेंगे। फिर आते हैं रिजल्ट पे। यहाँ पर रिजल्ट दिया गया किस तरह से आपको चेक करना है, वो सबकी प्रोसेस यहाँ पे दी गई, स्टेप बाय स्टेप आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर यहाँ पे दिया गया कि रिजल्ट में यहाँ क्या दिया रहता है उन सबके बारे में भी यहाँ पे है। फिर सैलरी, यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के लोगों की अलग अलग सैलरीज होती हैं, और अगर आपने इसमें अप्लाई किया था और इसमें ज्वाइन हो गए तो फिर इसमें आपका क्या क्या बेनिफिट्स रहता है या क्या आपको वर्क करना रहता है उन सब के बारे में भी दिया गया है। सो यहाँ पे कुछ ऑफिस क्वेश्चन है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।